हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। इससे पहले हमने देखा कि स्ट्रिंग क्या होती है, उसकी इंडेक्सिंग कैसे हम चेक करते हैं, और उसके बाद हमने स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं किस प्रकार से वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर कोई एक स्ट्रिंग ले रखा है, जैसे आप देख सकते हैं आई एम अ प्रोग्रामर। यहाँ पर हमने इस स्ट्रिंग को ले रखा है जिसको हमने स्ट्रिंग नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रखा है। अब इसके लिए हमें इसमें कुछ चीजें जैसे चेक करनी है, जैसे स्टार्ट्स विथ, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग का फंक्शन होता है। जो हमारा फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर है वो क्या है, हमारा स्टार्ट्स विद, इसके साथ हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हमें चेक करना है कि हमारी स्ट्रिंग किस प्रकार से स्टार्ट हो रही है, यानी किस कैरेक्टर के साथ स्टार्ट हो रही है, किस लेटर से स्टार्ट हो रही है, तो उस कंडीशन पे हम अपने वेरिएबल को लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर वेरिएबल str लिया है, उसके बाद हम डॉट ऑपरेटर को यूज करेंगे, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर अपने फंक्शन का नेम लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम उस कैरेक्टर को पास करेंगे जिसको हम चेक करना चाहते हैं। तो ये क्या करता है, जो स्टार्ट्स विद फंक्शन होता है ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। आपने जो भी वैल्यू पास की है, अगर उस वैल्यू से हमारा, यानी कि उस कैरेक्टर से हमारी स्ट्रिंग अगर स्टार्ट हो रही है तो हमें ट्रू रिटर्न में मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न में मिलेगा। इसको हम करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आता जाए। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपनी एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। यहां से एक वेरिएबल बनाया और यहां से हमने स्ट्रिंग क्या दे दिया, आई एम अ प्रोग्रामर। हमने यहां से एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर लिया और इसके बाद अब हम चेक क्या करने वाले हैं, यहां से हम सिंपल सा प्रिंट करेंगे प्रिंट फंक्शन को और यहां से str को लेंगे डॉट, उसके बाद स्टार्ट्स विद फंक्शन को हम यहां पर यूज करने वाले हैं। तो जो हमारा बीएस कोड होता है वो जो फंक्शंस होते हैं उसको यहां पर सजेशन में देता है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं सिंपल सा आप इंटर प्रेस कर सकते हैं या फिर इस पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी स्ट्रिंग है हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि आई से स्टार्ट हो रही है जो हमारी स्ट्रिंग है, और इसको हमने यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट में मिली है, ट्रू मिली है, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, आई है, यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो आई से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, जो कि यहाँ पर क्या है, राइट है। आप देख सकते हैं अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ और पास किया, मान लीजिए हमने यहाँ पर ई पास किया, उस कंडीशन पे इसको हमने सेव किया और रन किया, तो उस कंडीशन पे फॉल्स यहाँ पर प्रिंट में हुआ, क्योंकि जो स्टार्ट्स विद फंक्शन होता है ये बताता है कि आपकी स्ट्रिंग किस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है। आपने जो भी कैरेक्टर पास किया हुआ है, जो भी लेटर पास किया हुआ है उससे स्टार्ट हो रही है, तो आपको क्या देगा, ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, और सभी कंडीशन में। आप देख सकते हैं यहां से, अब नेक्स्ट यहां पर जो हमारी स्ट्रिंग का फंक्शन होता है वो क्या होता है, इंड्स विद, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग हो रही है वो किससे इंड हो रही है, अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने कोई एक स्ट्रिंग पास की ER, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग है वो ER और यहाँ पर क्या है, स्टॉप ऑपरेटर यानी डॉट ऑपरेटर को यूज किया हुआ है, इससे इंड हो रही है। तो ये क्या करेगा, अगर इसी से इंड हो रही है तो उस कंडीशन पे ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इसको भी हम करके देखने वाले हैं। सेम जैसे हमारा स्टार्ट वैसे हमारा इंड भी है, तो यहां स्टार्ट की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम कर सकते हैं इंड्स विद, यहां से हमने टैप कर दिया और इसको हमने राइट डाउन कर लिया, और यहां से हमने क्या लिख दिया, हमें पता है जो हमारी स्ट्रिंग इंड हो रही है वो यहां पर ER डॉट इस प्रकार से इंड हो रही है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहां से दे सकते हैं। तो इसी सेम को हम दे करके यहां पर चेक करने वाले हैं डॉट यहां से, और सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही रन किया आप देख सकते हैं ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग है वो इंड कैसे हो रही है, ER डॉट से इंड हो रही है। अगर इसी की जगह पर मैंने सिर्फ डॉट को हटा दिया यहां से, तो उस कंडीशन पे रन करेंगे तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि यहां पर ये इंड किससे हो रही है, डॉट से इंड हो रही है। तो आप एक सिंगल कैरेक्टर को भी डाल करके चेक कर सकते हैं। तो ये कौन सा हमारा फंक्शन वर्क करता है, स्ट्रिंग का इंड्स विद जो फंक्शन होता है ये वर्क करता है। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास यहाँ पर लोअर फंक्शन, यानी कि स्ट्रिंग का लोअर फंक्शन। अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में यानी कि स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आप लोअर फंक्शन को यूज करेंगे, जो कि करता क्या है, कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, ये लोअर केस में पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा। अब यहां से हम आ जाते हैं और यहां से हम क्या करने वाले हैं,
अपने लोअर फंक्शन को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा वेरिएबल हो गया, उसके बाद यहाँ से हम लोअर फंक्शन को लिखेंगे और पैरेंथिसिस के अंदर हम कुछ भी नहीं पास करेंगे, और इसको हमने क्या कर दिया यहाँ से क्लियर और यहाँ से रन। तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं आई जो है ये कैपिटल में था, ये क्या हो चुका है स्मॉल लेटर में हो चुका है, बाकी सारे स्मॉल में ही थे। अगर आप यहाँ से इन सभी को कैपिटल में कर देते हैं तो भी ये किस में हो जाएगा स्मॉल लेटर में आ जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो होगी आपकी वो क्या हो जाएगी स्मॉल लेटर में आ जाएगी, लोअर केस में आ जाएगी। इसी प्रकार से जो हमारा होता है एक यहां पर अगर आप देखें तो अपर फंक्शन, यानी स्ट्रिंग के अंदर एक अपर फंक्शन होता है, कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग इनटू अपर केस। अगर आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में यानी कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हैं अपर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसको भी हम करके देखने वाले हैं। मान लीजिए इसको हमने यहां से स्मॉल लेटर में कर दिया एम को, और यहां से जहां हमने लोअर लिखा हुआ था इसको हम क्या कर देते हैं अब अपर कर देते हैं। यहां से हमने क्या कर दिया अपर फंक्शन को यूज कर लिया, और इसके अंदर भी यहां पर पैराग्राफ में कुछ भी नहीं पास करेंगे, सॉरी यहां पर पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ भी नहीं पास करेंगे। जैसे ही रन करते हैं आप देख सकते हैं कि सारा का सारा जो हमारा स्ट्रिंग था वो क्या हो चुका है कैपिटलाइज हो गया है, यानी कि पूरी स्ट्रिंग क्या हो गई है यहाँ पर कैपिटल में हो चुकी है। तो इस प्रकार से अगर आपको पूरी स्ट्रिंग अपर केस में करनी है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं उसको अपर केस में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपर फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, नेक्स्ट होता है हमारे पास टाइटल फंक्शन। इसका काम क्या होता है कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस, जिसका काम होता है ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो भी हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग के अंदर जो जो हमारे फर्स्ट कैरेक्टर होते हैं फर्स्ट लेटर से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या कर देता है कैपिटलाइज कर देता है, यानी एक प्रकार से कैपिटलाइज ईच वर्ड करता है, यानी कि प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होता है वो क्या कर देता है कैपिटल में कर देता है, जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं टाइटल फंक्शन का यूज करते हैं। अब यहां से मान लीजिए हमने क्या कर लिया टाइटल फंक्शन को यूज कर लिया और जिसके अंदर हमने कुछ भी नहीं पास किया और यहां से रन किया। रन करने के बाद अगर आप देखें तो आई जो है ये कैपिटल हो गया है, एम का ए कैपिटल हो चुका है, यहां पर एक सिंगल वर्ड ही था यानी सिंगल लेटर ही था तो इसका ए भी कैपिटल हो गया है, प्रोग्रामर का पी कैपिटल हो गया है। तो यहां पर कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो था वो क्या हो चुका है कैपिटल हो गया है। तो जब भी आपको अपनी स्ट्रिंग का जो भी लेटर्स होते हैं जो भी वर्ड होते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करना होता है फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल करना होता है तो उस कंडीशन पे आप किसका यूज करते हैं स्ट्रिंग के अंदर जो टाइटल फंक्शन होता है इसका आप यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज फंक्शन, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर जो हमारा कैपिटलाइज फंक्शन होता है ये होता है जिसका काम क्या होता है कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस, यानी पूरी स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसी को सिर्फ ये अपर केस में करता है। इसको हम कर सकते हैं यहां से कैपिटलाइज वाले फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब यहां से हमने क्या कर दिया str डॉट यहां से कैपिटलाइज सी जैसे ही प्रेस किया तो सी से रिलेटेड जितने भी यहां पर स्ट्रिंग के अंदर फंक्शन है वो सारे आपको यहां पर शो होने लगेंगे। तो कैपिटलाइज हमें चाहिए और यहां से हमने इसको क्या किया सेव किया, सेव करने के बाद रन करेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं कि आई एम अ प्रोग्रामर, यहां से आई पहले से कैपिटल था। अगर मान लीजिए हमने इसको क्या कर दिया स्मॉल में कर दिया और इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब अगर हम रन करते हैं तो जो पूरे सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या हो जाएगा कैपिटल में हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं यहां पर अभी के लिए एरर शो कर रहा है और इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद फिर से रन करेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं जो आई है ये क्या हो चुका है कैपिटल हो गया है, क्योंकि इसका काम क्या होता है जो हमारा कैपिटलाइज फंक्शन होता है ये क्या काम करता है कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस, यानी कि पूरी स्ट्रिंग का जो सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसी को अपर केस में क्या कर देता है कन्वर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है रिप्लेस, यानी कि अगर आप अपनी स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी चीजें चेंज करना चाहते हैं यानी कि कोई स्ट्रिंग को अगर आप बदलना चाहते हैं किसी वर्ड को पार्टिकुलर बदलना चाहते हैं पार्टिकुलर किसी कैरेक्टर को बदलना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे हम रिप्लेस का यूज करते हैं। रिप्लेस ऑल ऑकरेंस ऑफ ओल्ड, यानी जो भी आपकी ओल्ड ऑकरेंस होगी यानी ओल्ड स्ट्रिंग होगी उसको आप क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं, जिसके अंदर हम दो पैरामीटर को पास करते हैं, फर्स्ट के अंदर जिसको हमें बदलना है उस वैल्यू को यानी कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू इसको पास करेंगे, नेक्स्ट कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सेकंड के अंदर जो हम न्यू वैल्यू देना चाहते हैं यानी जो न्यू स्ट्रिंग उसमें देना चाहते हैं रिप्लेस करना चाहते हैं उसकी जगह पर उसको हम पास करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको भी हम देख लेते हैं यहां से, तो यहां पर आ जाते हैं तो हम नेक्स्ट क्या काम करने वाले हैं जो हमारा रिप्लेस फंक्शन होता है उसको हम यूज करने वाले हैं। तो हमने यहां से आर ई जैसे प्रेस किया उससे रिलेटेड स्ट्रिंग के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे आ जाएंगे, हमें रिप्लेस चाहिए और इसके अंदर
फर्स्ट हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है जो हमारा आई है। आई कैसा है, स्मॉल लेटर में है, इसकी जगह हम कैपिटल करना चाहते हैं, यानी इस कैरेक्टर को हम कैपिटल करना चाहते हैं। तो ये हमारी ओल्ड वैल्यू है जो कि पहले से ही है हमारी स्ट्रिंग के अंदर, इसकी जगह हम क्या बदलना चाहते हैं, कैपिटल आई करना चाहते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद अभी के लिए क्लियर करते हैं और इसको रन किया। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं जो आई है वो क्या हो चुका है, कैपिटल हो चुका है। अब हम चाहते हैं जहां जहां पर ए है, जहां जहां पर ए लिखा गया है वहां वहां पर क्या हो जाए, यहां पर वाई हो जाए। तो आप देख सकते हैं ए यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर भी है, यहां पर भी है, हर जगह क्या हो जाएगा, यहां से हम ए लिखेंगे अपनी ओल्ड वैल्यू के अंदर और यहां पर हम क्या चेंज करना चाहते हैं, वहां पर वाई हो जाना चाहिए। इसको क्लियर किया और इसको रन किया। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं जहां जहां पर ए था वहां वहां पर क्या हो चुका है, वाई हो चुका है। तो इस प्रकार से पार्टिकुलर किसी कैरेक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं न्यू वैल्यू दे करके, और या पार्टिकुलर किसी स्ट्रिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं। पार्टिकुलर अगर हमें किसी स्ट्रिंग को चेंज करनी है, जैसे हमें पता है कि प्रोग्रामर लिखा हुआ है, इसकी जगह अगर हम चेंज करके यहां से क्या करना चाहते हैं, कोडर करना चाहते हैं, तो यहां से ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ओल्ड वैल्यू में हमारी जो वैल्यू है एक्चुअल में उसको देंगे और जिसको हम बदलना चाहते हैं उस वैल्यू को हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो यहाँ पर आई एम अ कोडर आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये किसका काम होता है, जो हमारा रिप्लेस फंक्शन होता है वो वर्क करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फाइंड, यानी कि फाइंड फंक्शन क्या करता है, सर्चेज द स्ट्रिंग फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ वेयर इट वाज फाउंड। यानी कि जो हमारा फाइंड फंक्शन होता है, अगर आप किसी भी वर्ड को, किसी भी कैरेक्टर को फाइंड करना चाहते हैं, तो आप इसको पास करेंगे उस कैरेक्टर का नेम, उसके बाद जहां पर पूरे सेंटेंस में पहली बार यानी कि स्टार्टिंग में ही जहां पर उसको मिलेगा उसी का इंडेक्स वो क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम देखने वाले हैं जो हमारा फाइंड फंक्शन है, तो इसको भी हम करके देख लेते हैं एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहां से हमने क्या यूज किया, अपने फाइंड फंक्शन को लिया और उसके बाद यहां पर हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, ए को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहां से हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए को पास किया और इसको सेव किया। अब ए यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, लेकिन जो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है उस वो ही रिटर्न करेगा। ए तो कई जगह है लेकिन जो सबसे पहले मिल जाता है उसी का इंडेक्स क्या कर देता है, हमारा फाइंड फंक्शन रिटर्न कर देता है। तो जीरो पोजिशन पे हमारा आई है, फिर एक स्पेस दिया है तो सेकेंड पोजिशन पे स्पेस है, फिर क्या है थर्ड यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे स्पेस है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे हमारा ए है, थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है एम है। तो यहां पर किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। इसको सेव करके हम यहां से रन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या है, ए है, जिसकी वैल्यू, जिसका इंडेक्स नंबर यहां पर क्या हुआ है, रिटर्न हुआ है। अगर यहां पर हम ओ पास कर देते हैं तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 1, उसके बाद 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9। यहां से देखते हैं क्या रिटर्न करता है, यहां से हमने क्या पास किया, ओ पास किया और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 9 इंडेक्स नंबर पास किया हुआ है, यानी कि वो कैरेक्टर, वो वैल्यू जहां पर भी मिलेगी उसका इंडेक्स नंबर ये क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है, जो हमारा फाइंड फंक्शन होता है। तो यहां से ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग के अंदर जो हमारा काउंट फंक्शन होता है, ये काम क्या करता है कि वो स्ट्रिंग या फिर वो कैरेक्टर, वो वर्ड कितनी बार रिपीट है आपके पूरे के पूरे स्ट्रिंग के अंदर, उसको ये क्या करता है, काउंट करके बताता है। चाहे एक सिंगल कैरेक्टर हो या फिर एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग हो या पूरी का पूरा वर्ड हो, उन सभी चीजों को काउंट करने का काम करते हैं। ये क्या करता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू अकर्स इन अ स्ट्रिंग। यानी कि जो स्पेसिफाइड वैल्यू आप डाले हुए हैं वो कितनी टाइम्स आ रही है आपके स्ट्रिंग के अंदर, उस नंबर को ये क्या करता है, काउंट करके बताता है। अब इसको भी हम चेक करने वाले हैं। यहां से हमें पता है जो ए लिखा हुआ है 1 2, यहां पर 3 टाइम्स ए है, तो इसको हम चेक करना चाहते हैं ए को। और यहां से हमने किसको यूज कर लिया है, अपने काउंट फंक्शन को। ये क्या करेगा, सिंपल सा काउंट करके बताएगा। और यहां से सेव किया, सेव करने के बाद रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर आउटपुट में क्या आया हुआ है, 3 आया हुआ है। अगर हम यहां पर ओ लिखते हैं तो वो ओ जो है 1 टाइम ही है, तो यहां पर क्या आएगा, 1 प्रिंट होगा, यानी कि 1 प्रिंट होगा। रन किया हमने, यहां से आप देख सकते हैं सिंपल सा क्या प्रिंट हुआ है, 1 ही प्रिंट हुआ है। तो ये क्या होता है, हमारा काउंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर एक फंक्शन हमारे पास क्या होता है, सेंटर फंक्शन। सेंटर फंक्शन क्या काम करता है, आप अपनी स्ट्रिंग को कितना सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल वो 0 पोजीशन से स्टार्ट हो रही है,
तो उस कंडीशन पे अगर आप इसको थोड़ा सा खिसकाना चाहते हैं, दूसरी साइड को सेंटर में ले जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या पास करेंगे, यहाँ पर उतनी वैल्यू आप पास कर देंगे तो उतने कैरेक्टर के इक्वल वो वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी सेंटर में चली जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर 10 पास किया हुआ है तो 10 यहाँ पर कैरेक्टर की इक्वल स्पेस हो जाएगी, उसके बाद आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, प्रिंट होगी। इसको हम करके देखने वाले हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहां से हम आ जाते हैं और यहां से हमने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया, यहां से हमने क्या यूज किया, सेंटर को यूज किया। और यहां पर हम कितना सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, यहां से हम ले लेते हैं इसको सेंटर करने के लिए, मान लीजिए हमने 10 टाइम्स इसको क्या कर दिया, सेंटर में कर दिया। तो यहां से हमने 10 पास कर दिया तो 10 कैरेक्टर के इक्वल स्पेस होगा, उसके बाद जो हमारी स्ट्रिंग है यहां पर वो क्या होगी, प्रिंट में मिलेगी। कोड को हमने रन किया तो आप देख सकते हैं यहां से सबसे पहले इसको हम डिलीट करने वाले हैं और इसको हमने सेव किया और यहां से रन किया। तो इस कंडीशन पे यहां पर हम फिर से चेक करते हैं इसको, अभी वर्क नहीं कर रहा है। अभी के लिए जो हमारा यहाँ पर सेंटर फंक्शन है ये वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन ये इसी प्रकार से यूज किया जाता है। आप जितने कैरेक्टर के यहाँ पर स्पेस देना चाहते हैं उतना स्पेस दे सकते हैं, और इसके साथ में अगर आप किसी भी पार्टिकुलर यहाँ पर लेटर को यानी कैरेक्टर को अगर स्पेस देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो ए है वो कितने स्पेस में चला जाए, 10 टाइम्स, तो इसको हम क्या करेंगे, डबल क्वेट्स के अंदर सबसे पहले हम लेंथ लिखेंगे, कितनी लेंथ की स्पेस चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, उस कैरेक्टर को लिखते हैं। तो यहां से मान लीजिए हमने यहाँ पर आई लिख दिया, तो इस कैरेक्टर को कितनी लेंथ मिल जानी चाहिए, यहाँ पर 10 के इक्वल लेंथ मिल जानी चाहिए, उसके बाद हमारा आई कैरेक्टर प्रिंट में होना चाहिए। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। हो सकता है आपके सिस्टम पे ये वर्क करे, तो आप इसको ट्राई जरूर करना। इस प्रकार से जो हमारा सेंटर फंक्शन होता है ये क्या करता है, वर्क करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा सेंटर फंक्शन था, ये सारे हमारे क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पर काफी सारे फंक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, एफ लिखा, तो एफ से रिलेटेड यहाँ पर फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट मैप होता है, ये सारे स्ट्रिंग के क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। टी लिखा हमने तो टाइटल, ट्रांसलेट, इस प्रकार के फंक्शन होते हैं। तो इस प्रकार से काफी सारे हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर पाइथन में काफी सारे यहाँ पर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जिसको आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट थे उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, बता दिया है। आगे चल करके धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपनी पाइथन लैंग्वेज को कंप्लीट कर रहे होंगे वैसे वैसे ये सारे फंक्शंस को हम यूज कर रहे होंगे, और जो भी हमने नहीं पढ़े हुए हैं वो भी हम क्या कर लेंगे, साथ के साथ पढ़ लेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने ये सीखा कि स्ट्रिंग के अंदर जो फंक्शंस होते हैं जो कि काफी ज्यादा हमारे काम को आसान बना देते हैं, उसको हम किस प्रकार से यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।